एक्सपेंशन का कारक बृहस्पति है, यही कारण है। अगर वो लगन में बैठा हो तो शरीर को एक्सपेंस कर देता है, हेल्दी बना देता है। अगर वो सेकंड हाउस में हो तो वाणी को एक्सपेंड कर देता है और साथ ही साथ वेल्थ को एक्सपेंड कर देता है। थर्ड हाउस में तो पराक्रम बढ़ा देता है। फोर्थ हाउस में बैठा हो सुख बढ़ा देता है। फिफ्थ हाउस में बैठा हो ज्ञान बढ़ा देता है, चातुर्य बढ़ा देता है, विवेक बढ़ा देता है, कला कौशल बढ़ा देता है। सिक्स में बैठा हो तो कभी कभी शत्रुहंता योग बना देता है, आपका कोई शत्रु नहीं होगा, मतलब औदार्य बढ़ा देता है। सेवंथ में बैठा हो तो बिजनेस बढ़ा देता है। एट्थ हाउस में बैठा हो तो आपकी प्रॉब्लम से निकलने का या तो रास्ता सुझा देता है या तो अनर्न्ड इनकम बढ़ा देता है। बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठा हो तो आपका भाग्य बढ़ा देते हैं। बृहस्पति आपके लक को बढ़ा देते हैं, आपकी शिक्षा को बढ़ा देते हैं, आपके धर्म कर्म को बढ़ा देते हैं। और अगर टेंथ में बैठे हो तो कर्म को बढ़ा देते हैं, स्टेटस को बढ़ा देते हैं। यही कारण है जिनका टेंथ हाउस में बृहस्पति मिलता है उनको मैनेजमेंट के लिए बोला जाता है कि आप मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट का मतलब ऐसे लोग नेतृत्व कुशल होते हैं, ऐसे लोगों को पता होता है कब किस व्यक्ति से कैसा काम लेना है। तो बृहस्पति 10 वाले हमेशा इन चीजों में आपको पारंगत मिलेंगे। तो जिनकी कुंडली में बृहस्पति 10 में होता है उनको हम लोग आंख बंद करके बोलते हैं भाई तुम कला कौशल और तुम्हें किस तरह से किससे काम कराना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से किस व्यक्ति का उपयोग करना है, आपको अच्छी तरह से आता है। इसलिए बृहस्पति तन वालों को मैनेजमेंट की एजुकेशन के लिए बोल दिया जाता है या MBAs की एजुकेशन के लिए बोल दिया जाता है। 11th में बैठा हुआ बृहस्पति आपके सोशल दायरे को बढ़ा देता है, आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ा देता है, इतना ही नहीं आपकी टर्नओवर को बढ़ा देता है। और 12th में अगर बृहस्पति बैठा हो तो आपके मोक्ष जाने का मार्ग सुशक्त कर देता है। ऐसे जिनका भी बृहस्पति 12th में होता है ऐसे लोग मोक्ष गामी चीजों के लिए लगातार सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो हमारी कुंडली में बृहस्पति केवल और केवल ये काम नहीं करता है, बृहस्पति और भी चीजों का कारक है। बृहस्पति एक्सपेंड का कारक के साथ साथ बृहस्पति औदार्य का भी कारक है, बृहस्पति लक का कारक है और साथ ही साथ बृहस्पति इष्ट की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तभी आपकी कुंडली में बृहस्पति सही हो पाता है।